वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम और एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर। आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा पहले ही। रविंद्रनाथ टैगोर वही शख्स है जिसने हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया है, और साथ में ही जो बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम है वो भी इसी ने गाया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोम, वी शुड अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। पूरे पोम को समझने के लिए हम इसका सेंट्रल आइडिया समझना चाहिए। तो बच्चों, पोम का जो नाम है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा पॉइंट है वो कहता है मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो क्यों ऐसा वो क्यों कहता है? तो इसलिए कहता है द पॉइंट हैड लॉस्ट हिज मदर इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जो शायर है उसकी माँ मर गई है जब शायर बहुत छोटा बच्चा था, इसलिए शायर कहता है मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब शायर की माँ मर गई है तब शायर बिल्कुल छोटा था, एक छोटा सा बच्चा था, उसको माँ के बारे में ज़रा भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो शायर को अपनी माँ की याद दिलाती हैं। शायर अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, द पोइट नोज नथिंग अबाउट हिज मदर बट देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो शायर को अपनी माँ की याद दिलाते हैं। तो चलो पॉइंट्स पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखो सेंट्रल आइडिया पहले इसका क्या है। द पोएम इज अबाउट द सेंसिटिव एंड द इंटेंस फीलिंग्स ऑफ ए चाइल्ड, ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स दैट हिज मदर यूज्ड टू डू। ये जो पोएम है एक सेंसिटिव और इंटेंस फीलिंग्स एक बच्चे के हैं। ठीक है, ये जो पोम है ये इमोशनल है, ये हमारे दिल में शायर के लिए पिटी मतलब तरस और रहम पैदा करती है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसकी माँ बहुत पहले मर गई है, तभी बहुत बिल्कुल छोटा बच्चा था, तो उसको अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स दैट हिज मदर यूज्ड टू डू, लेकिन उसको वो सारी चीज़ें याद हैं जो उसकी माँ किया करती थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अभी भी शायर को अपनी माँ की याद दिलाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, शायर कहता है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. तो पहले स्टेंजा में क्या कहता है शायर? पोएट कहता है I cannot remember my mother, मुझे बिल्कुल भी अपनी माँ के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, फिर Only sometimes in the midst of my play, लेकिन शायर कहता है हाँ ऐसा होता है कि जब मैं खेलता हूँ तो मेरे खेल के दरमियान में, ठीक है, जब मैं खेलता हूँ तो खेलने में मुझे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है मुझे मेरी माँ की याद आती है, मुझे मेरी माँ के फीलिंग्स आती हैं। क्यों, कैसे आते हैं? वो इसलिए आते हैं a tune seems to hover over my playthings। शायर के कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्यून होता है, ठीक है, शायर का कहने का मतलब है ये जो मेरे प्ले थिंग्स हैं, ये जो मेरे चीज़ें हैं, जो टॉयज़ हैं जिनके साथ ये जो बच्चा है खेलता है, वो कहते जब भी इन बच चीज़ों के साथ, इन टॉयज़ के साथ खेलता हूँ तो इनमें से एक आवाज़ निकलती है तो मुझे ऐसा फील होता है ये वही ट्यून है, ये वही आवाज़ है ऑफ सम सॉन्ग, उसी किसी सॉन्ग की आवाज़ है जो मेरी माँ मेरे लिए गाया करती थी। समझ में आ रहा है ना?
शायर के कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपनी चीज़ों के साथ खेलता हूँ, जो मेरे प्ले थिंग्स हैं, ठीक है, जो मेरे प्ले थिंग्स हैं, जो टॉयज़ हैं इस बच्चे के, तो बच्चा कहता है जब मैं टॉयज़ के साथ खेलता हूँ तो इनमें से एक आवाज़ निकलती है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल आता है कि ये आवाज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो मेरी माँ है वो मेरे लिए एक सॉन्ग गाया करती थी, लोरी सुनाया करती थी। तो बिल्कुल ये जो मेरी चीज़ों की आवाज़ें बिल्कुल इस सॉन्ग से, उस लोरी से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इस बच्चे को अपनी माँ की याद थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो लेकिन याद रखना, पॉइंट सेज आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे माँ के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन बस ये कुछ चीज़ें हैं जो माँ की याद दिलाती हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कहा उसने, ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ ऐसा सॉन्ग निकलता है, ऐसा कुछ टून निकलता है जिससे मुझे महसूस होता है, जिससे मुझे फील होता है कि जो मेरी माँ है वो यही गाया करती थी। कब? हाँ अच्छा, यूज्ड हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जो मेरी माँ है वो यही सॉन्ग गाया करती थी। कब? हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, हम मीन्स होता है लोरी सुनाना, गुनगुनाना, ठीक है। वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, क्रेडल मीन्स होता है झूला, झूला झुलाना, ठीक है। रॉकिंग माई क्रेडल मीन्स होता है झूला झुलाना, जब मेरी माँ मेरा झूला झुलाती थी तब वो जो सॉन्ग गाती थी, तो मुझे वही सॉन्ग ऐसा भी लगता है कि जो मेरे चीज़ों में से निकलता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, वंस अगेन पॉइंट सेज, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, फ्लोट्स इन द एयर। फिर द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। तो चलो इस स्टंजा को समझते हैं। इस स्टंजा में क्या कहता है शायर, शायर कहता है फिर से, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, मुझे अपने माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा है, जब मौसम खिजा होता है, जब ऑटम का मौसम होता है, तो सुबह सवेरे मुझे कुछ फ्लावर से स्मेल आ रही है, मतलब शोली फ्लावर से, जो फ्लावर है शोली फ्लावर, इसकी स्माइल आती है कहीं से, ठीक है, हवा में से इन फूलों की स्मेल आती है। तो मुझे क्या लगता है, असल में शायर कहने का मतलब, शायर का कहने का मतलब यही है कि जो शायर है उसकी जो माँ है वो बहुत एक रिलीजियस लेडी थी, तो इसलिए क्या करती थी, ये जो शायर की माँ थी वो सुबह सवेरे टेंपल जाती थी, ठीक है, ठीक है, मॉर्निंग सर्विस के लिए टेंपल जाती थी इन फूलों को लेकर, और टेंपल में फूल चढ़ाती थी, तो इन फूलों को ऑब्वियसली कोई स्मेल हुई होगी। तो शायर कहता है, आज भी जब शिवली फ्लावर्स की स्मेल एयर में से मुझे कहीं से आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो स्मेल है कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, मुझे ऐसा लगता है ये जो स्मेल है ये मेरी माँ की स्मेल है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने क्लियर की हैं, एक तो यह है शायर को लगता है जो मेरी चीज़ें हैं, खेलने वाली चीज़ें, जो मेरे टॉयस हैं, उनको जब खेलता हूँ तो तब मुझे माँ की याद आती है। और दूसरा ये है, शायर कहता है जो टेम्पल है, जब इसमें कोई शिवली फ्लावर्स लेके जाता है तो मुझे याद आता है जो मेरी माँ है वो भी फ्लावर्स लेके वहाँ जाती थी, और जब आज भी ये फ्रेगरेंस, ये स्मेल मुझे आती है, ये खुशबू मुझे आती है इन फूलों की, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है ये जो स्मेल है ये मेरी माँ से आती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जिन्होंने शायर को अपनी माँ की याद दिलाई हैं। चलो तीसरा देखते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, वंस अगेन वर्ड सेज, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, ही रिमेंबर्स नथिंग अबाउट हिज मदर, क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ हर डेथ ही वॉज टू यंग टू नो एनी थिंग अबाउट मदर, क्योंकि जब इसकी माँ मर गई तब वो बहुत छोटा था, उसको कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंट माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आई फील दैट द सिटलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज सिपरेट ऑल ओवर द स्काई। तो क्या कहता है जो पॉइंट है, पॉइंट कहता है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे कुछ भी याद नहीं है अपनी माँ के बारे में, लेकिन हाँ और एक चीज़ है जो मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है, वो ये कि जब भी मैं अपने बेडरूम में होता हूँ,
ठीक है, और जब भी मैं अपने बेडरूम में बैठकर खिड़की से बाहर देखता हूँ नीले नीले आसमान पे, जब मुझे दूर नज़र पड़ती है नीले आसमान पे, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं छोटा सा था तब जो मेरी माँ है वो मुझे झूला झुलाती थी और झुक के बस चोरी से साइलेंटली मुझे देखती थी। लेकिन आज मुझे क्या लगता है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स ग्रेज ऑन माई फेस, मुझे आज भी वैसा ही लग रहा है कि अभी भी मेरी जो माँ है वो मुझे देखती है, वो मुझे देखती है। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, शायर को अपने बचपन का भी याद आता है कि जब मुझे मेरी माँ मुझे झूला झुलाती थी तो फिर वो मुझे देखती थी। लेकिन शायर को भी लगता है, आई फील देट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज सिपरेट ऑल ओवर द स्काई। शायर को भी ऐसा लगता है कि आज भी जब ये आसमान पे अपने बेडरूम में बैठ के आसमान की तरफ देखता है तो इसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी आसमान में भी मेरी माँ झुक के साइलेंटली मुझे देखती है, ठीक है, चुपके से मुझे देखती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, शायर कहना चाहता है कि जो शायर हैं जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो तब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, उसको माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो शायर को अपनी माँ की याद दिलाती हैं। उनमें से हमने डिस्कस किया, पहला हमारा वो वाला चीज़ है कि शायर कहता है जब मैं खेलता हूँ अपनी चीज़ों के साथ अपने टॉयज़ के साथ तो मुझे माँ की याद दिलाती हैं, क्योंकि उनमें से एक साउंड निकलता है, एक सॉन्ग ऐसा निकलता है जो मुझे लगता है कि ये वही टून है जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। फर्स्ट सेकंड स्टेंजा में हमने ये देखा कि शायर कहता है मुझे बिल्कुल भी अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा तो है जब आज भी कोई भी इंसान टेंपल जाता है वहाँ पे शिवलिंग फ्लावर्स चढ़ाता है जो उनकी स्मेल मुझे मिलती हैं, तो मुझे आज भी ऐसा लगता है ये जो स्मेल है ये मेरी माँ की स्मेल है, ठीक है, तो ये फूल भी मुझे अपनी माँ की याद दिलाते हैं। तो तीसरा सेंटेंस जो हमारा था, स्टेंजा जो हमारा था, वो ये था कि शायर कहता है मेरी माँ मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये भी है कि आज भी जब मैं अपने बेडरूम में बैठकर अपनी खिड़की से नीले आसमान को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे आज भी चुपके से साइलेंटली झुक कर देखती है, ठीक है। तो पोएट को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं अपने पोएट को अपनी माँ की याद दिलाती हैं, लेकिन पोएट इतना खुद भी मानता है कि उसको अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास, मुझे उम्मीद है आपने क्लास एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लियर टू यू।